बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर वीडियो लिंक ऑनलाइन क्लास ग्रेड 10 सब्जेक्ट एक्टिविटी डेट 9 अगस्त 2021। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 खोलने के बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? शेप्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट शेप्स नेम। आज हम शेप्स के नाम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कलर दी शेप्स। आपने शेप्स नेम पढ़ने के साथ साथ इन शेप्स पर कलर भी करना है। सो स्टूडेंट्स, कम टू द फर्स्ट शेप। फर्स्ट शेप क्या है हमारे पास? ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या है? थ्री कॉर्नर्स है। ट्रायंगल के थ्री कॉर्नर्स होते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। सेम इसी तरह से अब हम चलते हैं सेकंड शेप पे। सेकंड शेप में है सर्कल। सर्कल आपको कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल है? तो स्टूडेंट्स, इसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते, ये बिल्कुल गोल है। जैसे कि आप अपने घर में बॉल के साथ खेलते हैं, अब उस बॉल में क्या है? कोई भी कॉर्नर नहीं है, वो बिल्कुल गोल शेप में है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसे क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे, और ये भी गोल शेप में है, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड शेप। थर्ड शेप में क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स होते हैं? फोर कॉर्नर्स होते हैं। स्क्वायर के फोर कॉर्नर्स होते हैं और वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। वो क्या है हमारा? स्क्वायर है। आप कोई भी ऐसी चीज़ देख लें जिसके फोर कॉर्नर्स हो और वो इक्वल हो, तो वो आपको क्या पता चलेगा? वो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि वो स्क्वायर शेप है। नाउ स्टूडेंट्स, अब चलते हैं फोर्थ शेप पे। फोर्थ शेप में क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल। अब आप बताएं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क है? इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। मतलब कि इसके फोर कॉर्नर्स तो बिल्कुल नहीं है, बट वो कॉर्नर्स डिफरेंट हैं। दो कॉर्नर्स एक तरह होते हैं और दो कॉर्नर्स सेम होते हैं, तो उसके साइज का होता है कि वो उससे ज़्यादा लंबी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा। ना स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आपके होमवर्क के बारे में बता दूँ। होमवर्क में क्या है? होमवर्क में आपने इन शेप्स पर क्या करना है? कलरिंग। अब जैसे कि ट्राइंगल में रेड कलर है और सर्कल में येलो है, स्क्वायर में लाइट ग्रीन, रेक्टेंगल में ऑरेंज कलर है। आपने सेम इसी तरह से खुद कलरिंग करनी है। नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। शेप्स के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये कौन कौन सी शेप्स हैं। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 15 अगस्त 2021। अल्लाह हाफिज़।